हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक और एम शादी कर लेते हैं और शादी करते ही हनीमून के लिए कोरिया जाते हैं। एम को रिसोर्ट बहुत पसंद आता है और एक्साइटेड होकर माइक को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। माइक एम पर चिल्लाता है, हम यहाँ कोई सच में हनीमून बनाने नहीं आए। एम को गुस्सा आता है, तो क्या हुआ, फोटो तो ले ही सकते हैं ना। लेकिन माइक नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट से दोनों बोर हो रहे होते हैं। माइक एम से पूछता है, क्या मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। एम भी जाना चाहती है पर रूडली बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगी। माइक एम को बोलता है, तुम जाना चाहती हो तो मुस्कुरा कर बोलो, तभी साथ लेकर जाऊंगा। एम को जबरदस्ती हंसना पड़ता है और माइक उसे अपने साथ ले जाने को बोलती है। माइक एम को बोलता है, कितनी क्यूट लगती हो जब तुम ऐसे इंसानों की तरह हंसती हो। पर दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। रात को दोनों एक ही बेड पर सोने के लिए लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे माइक एम को बाइसाइकिल चलाने साथ चलने को कहता है। एम बताती है, मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ पर मुझे चलानी नहीं आती। माइक एम का मजाक उड़ाता है, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो जो तुम्हें बाइसाइकिल भी चलानी नहीं आती। एम बोलती है, इसमें स्टूपिड होने वाली बात कहाँ से आ गई। माइक बोलता है, पर तुम स्टूपिड हो, इवन महा स्टूपिड हो। एम को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइक एम को बाइसाइकिल चलानी सिखाता है। माइक बहुत कोशिश करता है एम को सिखाने की पर एम नहीं सीख पाती और बाइसाइकिल से गिर जाती है। एम की नी पर चोट लग जाती है। माइक एम की चोट की ड्रेसिंग करता है। एम माइक को उसकी परवाह करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने स्वीट हनीमून से वापस थाईलैंड आ जाते हैं। माइक आते ही एम को उसके लिए खाना बनाने को कहता है। एम बनाती है लेकिन माइक को खाना पसंद नहीं आता। ये तुमने क्या बनाया है। एम बताती है, जो सामान रखा था उससे बना दिया। माइक बोलता है, तुम हाउसवाइफ हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, घर में खाने का सामान होना चाहिए। एम बोलती है, शायद तुम भूल गए हो, हम अभी अभी कोरिया से वापस आए हैं। माइक को गुस्सा आता है और खाना फेंकने वाला होता है। एम माइक को रोकती है पर माइक नहीं रुकता और गिर देता है। एम को माइक की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, सामान को फेंकना बंद करो, ये कोई सही बात नहीं। माइक बोलता है, क्या तुम मेरी मदर हो जो लेक्चर दे रही हो। एम बताती है, नहीं हाउसवाइफ, और तुम अगर ऐसे सामान फैलाओगे तो मुझे ही तो साफ करना पड़ेगा। एम माइक को वार्निंग देती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तुमने तो तुम खुद ही क्लीन करना, समझे। माइक उसे में और सामान घेर देता है। लास्ट नाइट का गुस्सा निकालने के लिए माइक एम का काम बढ़ा देता है। एम बोलती है, ये सब मैं नहीं करूंगी। माइक बोलता है, इस घर की कीमत पता है ना, तुम्हें लगता है तुम 2 साल बिना कुछ काम किए ये घर मुझसे ले लोगी। ये सुनकर एम को काम करने के लिए एग्री होना पड़ता है। एम गाय को अपनी नोबल दिखाने चाहती है। गाय एम से कुछ टाइम मांगता है नोबल को पढ़कर बताने के लिए। इसके बाद एम वापस घर जाती है और देखती है माइक उसके लिए बाइसाइकिल लाया है। एम ये देखकर खुश हो जाती है। माइक एम को फिर से बाइसाइकिल चलाना सिखाता है। फाइनली एम सीख जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। एम इसलिए कि उसे साइकिल चलानी आ गई और माइक एम को देखकर खुश हो रहा होता है। इसके बाद मिंद्रा माइक से मिलने उसके घर आती है और उसका न्यू कलेक्शन ट्राई करने को कहती है। माइक मिंद्रा को बोलता है, अब मैं पहले की तरह तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मिंद्रा बोलती है, क्यों, तुम्हारी शादी ही तो हुई है, तुम मर थोड़ी गए हो। माइक बोलता है, पता है मुझे, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। मिंद्रा माइक से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए भी नहीं करोगे। माइक बोलता है, तुम हो इसीलिए नहीं करना चाहता। मिंद्रा ये सुनकर अपसेट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डांस की प्रैक्टिस करते हुए माइक के पैर पर चोट लग जाती है। डॉक्टर माइक को 2 मंथ्स रेस्ट करने को कहते हैं। माइक की असिस्टेंट एम को बताती है, माइक के पहले भी प्रैक्टिस करते हुए पैर पर इंजरी हो चुकी है और कुछ हफ्तों बाद माइक का शो भी है। एम ये सुनकर माइक के लिए परेशान हो जाती है। एम माइक को बोलती है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें शो से पहले एकदम ठीक कर दूंगी। माइक को एम पर हंसी आ रही होती है। उसके बाद माइक एम को बुलाता है और उसे वॉशरूम ले जाने को कहता है। माइक एम को घूर रहा होता है। एम पूछती है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। माइक बताता है, मैं तुम्हें पास से देख रहा हूँ, तुम्हारी हाइट सच में कितनी छोटी है। एम बोलती है, ज्यादा मत बोलो, यही गिर दूंगी। माइक बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद एम माइक को बोलती है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे आवाज दे देना। माइक बोलता है, इतनी दूर से तुम्हें आवाज दूंगा तो पैर के साथ गला भी चला जाएगा,
इसलिए तुम यही मेरे साथ आकर काम कर लो। एम माइक को बोलते रिक्वेस्ट करो मुझसे, तभी मैं आऊंगी। माइक को मजबूरी में एम से प्यार से बात करनी पड़ती है। एम अपनी नॉवल लिख रही होती है, माइक के उल्टे सीधे सवालों की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। एम माइक को बोलती है मुझे काम करने दो। माइक अपने स्कूल टाइम की बातें स्टार्ट कर देता है, जिसमें एम को भी इंटरेस्ट आ जाता है और दोनों ही बातों में लग जाते हैं और ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे गाय एम को कॉल करता है पर माइक पिक कर लेता है। गाय माइक को बोलता है, क्या मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ से बात कर सकता हूँ? माइक बोलता है, जो बताना है उसके हस्बैंड को बता दो। गाय बोलता है, कुछ प्राइवेट बात है तो मैम को मैसेज दे देना। गाय का कॉल आया था। एम माइक के पास आती है पर माइक नहीं बताता कि गाय ने उसे कॉल किया था। तभी गाय का दोबारा कॉल आता है, एम पिक कर लेती है। गाय एम से पूछता है, क्या तुम्हें माइक ने नहीं बताया मैंने तुम्हें कॉल किया था? एम बताती है नहीं। गाय बोलता है, मुझे लग ही रहा था। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया, मैं तुम्हारी नॉवल को लेकर कुछ बात तुमसे करना चाहता हूँ, इसलिए मिलना था। एम बोलती है, मैं 2 घंटे में तुमसे मिलने आ रही हूँ। एम गाय से मिलने जा रही होती है। माइक को गुस्सा आ रहा होता है, एम उसे घर में अकेला छोड़कर जा रही है। एम गाय से मिलने एक कॉफी शॉप में जाती है। गाय एम को बताता है, तुम्हारी नॉवल चूज कर लूंगा, बस तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। एम एग्री हो जाती है। एम गाय को बोलती है, पर मुझे अभी जाना होगा, मैं तुमसे दोबारा मिलती हूँ। एम वहाँ से इसलिए चली जाती है क्योंकि माइक के डिनर का टाइम हो गया होता है। एम घर जाकर देखती है, माइक ने पूरे घर की बुरी हालत की होती है। माइक मुस्कुराते हुए एम को बताता है, जब कोई इंसान घर पर टूटी हुई टांग के साथ फोर हो रहा हो तो ऐसा ही होता है। एम को गुस्सा आता है और फिर से काम करने में लग जाती है। माइक इसे एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद मिंत्रा गाय से क्लियरली पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? गाय बताता है, मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर सकता। ये सुनकर मिंत्रा अपसेट हो जाती है और माइक को कॉल कर बताती है, मैं बहुत जल्दी न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई नहीं और तुम्हारे पास भी मेरे लिए टाइम नहीं। माइक मिंत्रा से पूछता है, तुम कहाँ हो? मिंत्रा बता देती है। माइक मिंत्रा से मिलने जा रहा होता है। एम माइक को रोकती है, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। पर माइक नहीं सुनता और बोलता है, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और माइक मिंत्रा से मिलने चला जाता है। माइक मिंत्रा को न्यूयॉर्क जाने से रोकता है, मैं पहले की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सब सुनकर मिंत्रा वहीं रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइक घर जाकर देखता है, एम ने उसकी सारी मेडिसिन रखी हुई है, यानी एम को उसकी कितनी फिक्र है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माइक का कॉन्सर्ट होता है। एम माइक के लिए नर्वस होती है। माइक का कॉन्सर्ट अच्छा जाता है। पैर में इंजरी होने के बावजूद माइक पब्लिकली एम को थैंक्स बोलता है उसकी इतनी केयर करने के लिए। एम ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे माइक मिंत्रा के साथ अपने सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। पीछे से माइक की ग्रैंडमा एम को अपने घर बुला लेती है कुकिंग सिखाने के लिए। ग्रैंडमा नोटिस करती है एम ने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी है। एम बताती है, आप मुझे कुकिंग सिखाने वाली थी इसलिए मैंने घर छोड़ाई। ग्रैंडमा एम की बातों पर बिलीव कर लेती है और उसे माइक की फेवरेट डिश बनाना सिखाती है। एम माइक को कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो ग्रैंडमा के घर है। माइक मिंत्रा के साथ होता है और मिंत्रा कॉल कट कर देती है। मिंत्रा माइक को ग्रैंडमा के घर मिलने चलने को कहती है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। माइक देखता है एम पहले से ही वहाँ है। माइक एम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एम बताती है, मुझे ग्रैंडमा ने बुलाया था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था ये बताने के लिए, पर तुमने पिक नहीं किया। पर माइक को पता नहीं होता एम ने उसे कब कॉल किया। इसके बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं। माइक और मिंत्रा को क्लोज देखकर मदर और ग्रैंडमा को अजीब लगता है। इवन एम को भी बुरा लग रहा होता है। माइक एम के साथ घर आ जाता है। मदर माइक को कॉल कर बताती है, अब तुम मैरिड हो, चाहे कोई भी लड़की तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त क्यों ना हो, तुम्हें उसे ऐसे घर नहीं लाना चाहिए। वो तो एम इतनी सीधी है, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें उसकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। माइक मदर को प्रॉमिस करता है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद ग्रैंडमा एम को रोज अपने घर बुलाती है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। एम इन सब से परेशान हो जाती है। माइक अपने मैनेजर से मिलने जाता है। मैनेजर माइक को बताती है, एम से शादी के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। माइक ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद मिंत्रा माइक को कॉल कर अपने साथ स्पा चलने को कहती है। दोनों स्पा पहुँचते हैं। कुछ रिपोर्टर्स छुपके से दोनों के साथ में फोटोज ले लेते हैं। दूसरी ओर एम भी गाय के साथ लंच कर रही होती है।
एक लड़का दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है। एम घर आती है और माई को स्वीट्स देती है जो वो उसके लिए लाई थी। माइक एम से पूछता है, तुम कहाँ थी? एम बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, क्या तुम मुझे बता कर जाते हो? और स्वीट माइक को दे देती है, ये लो खा लो। माइक फेंक देता है, मुझे नहीं खानी, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। एम बोलती है, बाहर जाकर खाना है तो खाओ, पर यहाँ सामान क्यों फेंक रहे हो, ये बैड हैबिट है। माइक बोलता है, हाँ मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एम बोलती है, ठीक है जो करना है करो, जब भूख लगेगी बता देना। माइक को गुस्सा आता है और मित्रा को कॉल करके उसके साथ डिनर पर चलने को कहता है। एम बोलती है, अच्छा ही है, मुझे खाना बनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। माइक को ये सुनकर गुस्सा आता है और एम को स्वीट फेंक कर मारता है और वहाँ से चला जाता है। एम माइक को बोलती है, कहाँ जा रहे हो, सामान उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगी। माइक बोलता है, तुमने ही तो कहा था मेरे अंदर बैड हैबिट है, तो ये लो करो अब। एम का माइक को मारने का मन करता है पर मार नहीं पाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग है, बाय बाय।